मौदा तालुका के धर्मापुरी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है और गांव झील भर गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की इस हालत के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र गहरी नींद में है। बरसात के मौसम में पूरा धर्मापुरी गांव झील में तब्दील हो गया है और धर्मापुरी गांव की हालत ऐसी हो गई है कि ज्यादातर जमीन पानी में हो गई है। बारिश के पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं होने से गांव की यह हालत हो गई है। चार दिनों से घरों में बारिश का पानी जमा है, दुकानों में पानी भर गया है। सवाल यह खड़ा हो गया है कि इस पानी को कैसे निकाला जाए। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर कोई उपाय योजना क्यों नहीं है, जबकि निराश ग्रामवासियों ने ग्रामीण तहसीलदार और मंडल अधिकारियों से निवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन के इंजीनियर और अधिकारी आकर निरीक्षण करते हैं और इस समस्या की आशंका जताते हुए 2 माह पहले शिकायत की गई थी, लेकिन स्थिति वही है। अब पानी सीधे घरों में घुस गया है। नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन को आम लोगों की परेशानी का अंदाजा कब होगा। धर्मापुरी में खेत का एक हिस्सा पानी के गड्ढे में मिला है, ऐसे में फसल कैसे ली जाए यह सवाल खड़ा हो गया है। ग्रामीण जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। मौजा धर्मापुरी येथे 10 दिवसापासून 40 एकराच्या पाण्याचा जमाव झाला आहे। PW वाल्याची नाली नसल्यामुळे पाण्याचा निचरा होत नाही आहे। लोकांच्या घरात पाणी शिरलं आहे, दुकानात पाणी शिरलेलं आहे। प्रशासनाची याची दखल घेतली नाही आहे। पावसाच्या आधी 2 महिन्यापासून तहसीलदार साहेबाला अर्ज केलेले आहे, पण त्याच्यावर काही चौकशी झाली नाही। शेवटी घरात पाणी घुसल्यावर तहसीलदार साहेब चौकशी करायला येतात, पण 3 दा चौकशी करायला येऊन ते काही तोडगा न काढता वापस चालले आहेत। याच्यामुळे साप विच्छू याच्या सरपटणाऱ्या प्राण्यांची भीती निर्माण झालेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात कष्टकऱ्यांचा पर्यांचा तुरीचा नुकसान झालेला आहे। तरी प्रशासनानं लवकरात लवकर लक्ष देऊन काहीतरी विल्हेवाट लावून द्यावी। माझ्या शेतामध्ये आज 8 दिवस झाला माझ्या शेतातला पाणी निघाला नाही। आम्ही शासनाकडे गेलो, तहसीलदाराला विनंती केली, अर्ज केले, पण आमच्या शेताकडे दुर्लक्ष दिले। एक वेळा तहसीलदार आले, त्यावेळेस बी ते काही अडीअडचणी आल्यामुळे ते आईने काही पाणी काढलं नाही। असे 2-3 दा आमच्या गावामध्ये धर्मापुरी गावामध्ये आले, पण आमच्या पाणी काढू शकले नाही। आणि माझ्या शेताला जे लागणारे सामान होते, काही खत होतं, धानाचे बोरे होते, हे सुद्धा आमचे निस्तनाभूत झाले। आणि आम्हाला हे जे परा वगैरे टाकला होता, धान टाकले होते, हे सुद्धा आमचे पूर्ण निस्तब्ध झाले। आम्हाला शासनाकडून हेच विनंती आहे की आमची भरपावती करून द्यावी, अशी मी आपणास शासनाला विनंती करतो की भरपावती आमची करून द्यावी। NBC न्यूज के लिए मौदा से अचल तिजारी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।